चौथे चैप्टर का 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस और एक गाउस से 10^4 टेस्ला है होता है का एक समान चुंबक के क्षेत्र बनाए रखा गया है। एक प्रकोष्ठ में एक क्षेत्र विशेष में 6.5 गाउस का मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। इस चुंबक के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10^6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है, तो व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है जिसे हम mv² / r से पुट करेंगे और वो चुंबक के बल ही प्रदान करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर बल चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल Fm बराबर होता है qvb sin θ, और यहाँ पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री। थीटा हमारे पास में 90 डिग्री है, तो ये आ गया हमारे पास में QVB। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो बल है ये आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो आवेशित कण है, जैसे मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब इसमें कोई आवेशित कण जिसका आवेश क्यू है वो यदि गति करता है तो उस पर बल इस तरीके से काम करता है, केंद्र की ओर बल काम करेगा और जिसके कारण से कण का जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है। कण का जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। एक जैसे हम स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ये गति करता है कोई आवेशित कण Q, और इसकी जो वेलोसिटी है वो रहती है V। ओके। तो ये जो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होगा, चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। Fc = mv² / r ये चुंबकीय बल से प्राप्त होगा, और संतुलन की स्थिति के अंदर Fm और Fc दोनों बराबर हो जाएंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से qvb बराबर mv² / r, तो एक v से एक v तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और r बराबर क्या आ जाएगा, mv/qb। हमें यहाँ पर इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी पूछी है, तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10^-31, यहाँ पर -31 भी आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 kg में। ओके। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10^6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 6.5 × 10^-4, क्योंकि एक गाउस में -10^-4 टेस्ला होता है। तो यहाँ से 1.4 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा। 13 का भाग इसमें 7 बार में, 13 का भाग इसमें 5 बार में, तो ये हमारे पास में आ गया है 21/5 गुणा 10^-31 प्लस में 6 प्लस में 19 प्लस में 4, तो ये आ गया हमारे पास में 4.2 गुणा, देखो 10^ कितनी रह गई है हमारे पास में, -2 ये मीटर में, तो 4.2 सेंटीमीटर इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन।